दिल्ली पुलिस है या तोप है ये? हम महात्मा गांधी के सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये न भूलें कि झंडा में तीन कलर है, केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, उसके बीच का जो चक्र है कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश के झंडा को लेकर हम किसान सड़कों पे होंगे, जो उसे रोकने का प्रयास करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, राष्ट्रद्रोही कहलाएगा, और हम किसान उस तिरंगे में खुद को लपेटकर शमशान जाना पसंद करेंगे, लेकिन तिरंगा को ट्रैक्टर से नीचे उतरने नहीं देंगे। आप लोग जाने पड़े कह रहे हैं घर वापस नहीं जाने वाले हैं। हम हैं लोकतंत्र के रक्षक, लोकतंत्र को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति हो, अगर वो लोकतंत्र की गला घोटेगा उसकी खिलाफत होगी, और हमेशा से जीत सच्चाई और अच्छाई की हुई है। आज हम किसान सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जीत होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। वो माने या ना माने उससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जायज मांग है, हम अपनी मांग को मनवा के जाएंगे, बेशक ये सरकार कहीं जाता हो तो चला जाए। लेकिन अमित शाह जी का जो है फिर से बयान आया, कह रहे हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी होगी और होके ही रहेगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को कह रहे हैं, फिर आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? किसकी बातों पे यकीन करें साहब? कौन है इस सरकार में जिसकी जुबान पे विश्वास किया जा सके? उस प्रधानमंत्री जी पे यकीन करूं मैं जो प्रधानमंत्री जी हमें 15 लाख देने की वादा कर गए? उस प्रधानमंत्री जी पे यकीन करूं मैं जिन्होंने कहा कि 90 दिन में काला धन ला दूंगा? उस प्रधानमंत्री जी पे यकीन करूं मैं? और इस सरकार की विडंबना यह है कि जब मैं सवाल करता हूं कृषि मंत्री से तो जवाब रक्षा मंत्री देता है, सवाल जब मैं रक्षा मंत्री से करता हूं जवाब जो है वित्त मंत्री देने का करता है। इससे साफ पता चलता है कि यह सरकार फेलियर है, सरकार में बैठे हुए लोग जनमानस से बहुत दूर बैठे हैं, उन सिर्फ कॉरपोरेट के घरानों में बैठकर उनकी थालियों में अच्छे अच्छे रोटियां खाकर उनके हक में निर्णय लेने वाले लोग हैं, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। जब तक कि किसान की जायज मांग नहीं मानी जाती तब तक हम सब संघर्षरत है। तो फिर बार बार ये क्यों सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ज्यादातर जो मांगे हैं हमने किसान भाइयों की मांगे मान ली है, कुछ की जो रह रहा है वो क्लोज बाय क्लोज बात करेंगे? तो कौन सी मांगे उसने हमारी मान ली? कौन सी मांगे मान ली? रही पराली जलाने की मांग, क्या वो पराली पे कानून बन चुका था? बिजली, हमें बिजली का कानून, जो सिंचाई फ्री की आप ये सोचो हिंदुस्तान की ताकत कहाँ से है, हिंदुस्तान मजबूत कहाँ से है? और आज जो हिंदुस्तान को मजबूती दे रहा है उसे मजबूर करने का प्रयास जो ये सरकार कर रही है उसके खिलाफत है। हमने उनसे कहा MSP होनी चाहिए, जब आज ये कह रहे हैं कि MSP लागू है तब तो 1000 रुपए क्विंटल हमारा माल बिक रहा है धान, जब MSP लागू है तो मेरा गेहूं 1200 रुपए क्विंटल बिक रहा है, और जब ये MSP होगी ही नहीं, खुली मंडी होगी तो क्या हालात होगा आप सोच सकते हैं साहब। और ये पूंजीपति लोग हैं, ये हो सकता है कि एक सीजन का माल हमसे खरीद ले और दूसरा सीजन का माल वो समुद्र में डाले, तीसरे सीजन में पूरे हिंदुस्तान को भूखा मार देंगे। पराली बिजली को लेकर के बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा समाधान कर दिया है? झूठे लोग, झूठी बातें। अरे जिन्होंने राम को धोखा दिया, राम के नाम पर वोट प्राप्त किया और ये कहते हैं कि उस मंदिर का निर्माण हम करवा रहे हैं, अरे उस मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हिंदुस्तान की हर आवाम ने किया, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर परिवार ने उसका सम्मान किया। एक IT सेल का आ रहा है, बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी फैसले लिए हैं पीछे नहीं हटे। पीछे ये भारत की धरती है साहब, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, ये वीरों से खाली धरती नहीं है। इसी भारत में कभी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, तो सुदर्शन चक्रधारी आए और महाभारत हुआ था, तो इस धरती पे महाभारत होगा, लेकिन हम अपनी हक की मांग को पूरा करके रहेंगे। किसान भाई ना समझ है, समझ नहीं रहे बिल के उनके फायदे के लिए लाए। जिस किसान के अन्न को खाकर तू प्रधानमंत्री बन गया चाय बेचते, जिस किसान को के अन्न को खा करके तू मेरे खिलाफ डेट वारंट जारी कर दिया, उस किसान के पास अक्ल नहीं है? इस सरकार की सोच है कि किसान का बेटा जींस पैंट न पहने,
किसान का बेटा जैकेट न पहन ले, किसान का बेटा कारों में न घूमे, किसान का बेटा सिर्फ मजदूर बनकर हमारे खेतों में काम करने को मजबूर हो जाए, ये चाहत है इनकी। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान ही रहेगा। पूंजीपति प्रधान देश बनाने का जो इनका प्रयास है उसे बिल्कुल असफल करके रहेंगे। लेकिन उनके एक नेता का ये भी बयान चल रहा है, क्योंकि आप लोग 26 तारीख को जाने वाले हैं दिल्ली में, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रभक्त जाकर के दिल्ली में ही दिखाएं। हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, हम है वतन के रखवाले। तिरंगा के हिफाजत के लिए, तिरंगा को लहराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया, तब जाकर के गणतंत्र दिवस हमें प्राप्त हुआ। और आज वो हमें तिरंगा लहराने से रोकने की बात कर रहे हैं। साहब, तिरंगा मेरी आन है, बान है और शान है। तिरंगा को लेकर हम आएंगे, और जो हमें तिरंगा को ले जाते हुए रोकने का काम करेगा, उस वक्त पता चलेगा कि राष्ट्रद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है। किसान देश प्रेमी है, तिरंगा लहराएगा, जो उस तिरंगों को रोकने का प्रयास करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। मना तो नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यह है कि दिल्ली पुलिस के हाथों में दे दिया। अरे दिल्ली पुलिस नहीं हो गया, तोप हो गया। दिल्ली पुलिस है या तोप है ये? दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। हम महात्मा गांधी के सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये ना भूलें कि झंडा में तीन कलर है, केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। उसके बीच का जो चक्र है, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश के झंडा को लेकर हम किसान सड़कों पे होंगे, जो उसे रोकने का प्रयास करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। और हम किसान उस तिरंगे में खुद को लपेट कर शमशान जाना पसंद करेंगे, लेकिन तिरंगा को ट्रैक्टर से नीचे उतरने नहीं देंगे। नहीं तो क्या कर रहे हैं कि देखिए आप लोग जो है प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ जायज, वो कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कम से कम उन किसानों का भी आप मान रखिए जो समर्थन करने आ रहे हैं। कौन सा किसान समर्थन कर रहा? कहाँ गई है सरकार? कल तक जो चौपाल लगाने की बात करता था, आज क्या ऐसा रिपोर्ट इनपुट मिला गृह मंत्रालय को कि आज वो मजबूर हो गए अपने चौपाल कार्यक्रम को खत्म करने के लिए? इससे साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान का एक एक किसान आंदोलित है, एक एक गरीब आदमी सड़कों पे आने को तैयार है। उन्हें पता है कि अगर मैं जनता के बीच गया तो हमें पत्थरें खानी पड़ेंगी, इसलिए उन्होंने वापस लिया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग सरकार के खिलाफ है, जिसकी जो ताकत है उस ताकत के साथ सरकार के खिलाफ है। अच्छा, 40 जो आप लोगों के जो किसान भाई के जो बड़े बड़े जो है बातचीत करने वाले जो है संगठन के जो भी लोग हैं, उन पे एनआईए की बार बार जांच बैठाई जा रही है, छापेमारी की जा रही है, क्यों किया जा रहा है इस तरीके की? एनआईए लगा लो, सीबीआई लगा लो, गुंडा एक्ट लगा लो, पुलिस लगा लो। जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब ये सरकार डरी है पुलिस के द्वारा आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। जब भी इस देश का जब छात्र विश्वविद्यालय में अपने हक की मांग कर रहा था, उसे देशद्रोही अपने गोदी मीडिया के द्वारा कहलवाने का काम किया। जब इस देश का बेरोजगार रोजगार की बात कर रहा था, उसे राष्ट्रद्रोही कहने का काम इस मीडिया के द्वारा इन्होंने करवाया। जब इस देश का मुसलमान अपनी असीमता के लिए लड़ रहा था, उस वक्त उसे पाकिस्तानी कहने का काम किया गया। लेकिन आज न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, आज हिंदुस्तान सड़कों पे है, भारत का एक एक बच्चा सड़कों पे है। 75% लोगों की अपनी जो अर्थव्यवस्था, 75% जो हमारे हिंदुस्तान की आबादी है वो कृषि पे आधारित है, और वो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है, तो आप आखिरी मैसेज सरकार को क्या देना चाहते हैं 26 जनवरी को लेकर के इस आंदोलन को लेकर? सरकार को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मेरा स्वाधिकार है, मैं तिरंगा लहराऊंगा। आप मेरे तिरंगे के आड़े अपने पुलिस को मत लाना, हमें हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक करने देना, और देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश के बुद्धिजीवियों से मेरा अपील कि अगर वाकई आपकी भुजाओं में हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है, आपकी रगों में हिंदुस्तान का अन्न है, तो आप इस किसान आंदोलन को सफल बनाएं। अगर आज ये आंदोलन सरकार के कुछ चक्रों से असफल हो गया, तो आने वाली नस्लें तुम्हारी गुलाम हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आंदोलन जारी रहने वाला है, जब तक तीन काला कानून वापस नहीं, तब तक अपनी घर वापसी नहीं। नाम बता? मनमोहन झा गामा, किसान का बेटा। राजनीति बाद में,
पहले किसान के बेटा है हम।